हेलो दोस्तों और सब बड़ों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग मेरी जान, नए दिन की नई शुरुआत। और ये आज हमारा थर्ड डे रहेगा हमारे रूम पे। क्वारंटाइन हो गए हैं ऐसा लग रहा है, और क्योंकि तबीयत अभी तक सही नहीं हुई है, जुकाम वगैरह हो रहा है ना, इसीलिए तो ना लाइब्रेरी जा सकते ना जिम, क्योंकि वीकनेस भी बीच में आ रही है बहुत, इसीलिए। अदरवाइज सब सही है, बस जुकाम हो रहा है मुझे और कभी कभी हेडेक हो रहा है, दैट्स इट। तो भाई अब हम क्या करते हैं, आंटी से बोल दिया मैंने खाना खाने के लिए, खाना लाने के लिए, तो वो आंटी ले आएंगी खाना। और हम लोग टिफिन सिस्टम है इसलिए, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम अब पढ़ाई करना शुरू करते हैं अपना। और मेरा वही सेम स्लॉट चलेगा जैसे हमेशा चलता है अभी, 6 स्लॉट, 1 स्लॉट के बाद 15 मिनट का ब्रेक, और 2 स्लॉट के बाद 30 मिनट का ब्रेक, फिर 3 स्लॉट के बाद फिर 1 घंटे का ब्रेक, ऐसे चलता रहेगा मेरा, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं पढ़ाई। खाना आ गया था, अब खाना खाते फिर उसके बाद दवाई खा के फिर सो जाते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत ही पढ़ाई करने का तो मन ही नहीं कर रहा। मैंने अभी पढ़ किताब खोली थी, फिर से मैं लेट गया। चलो खाना खाते हैं। तो पढ़ाई करने का बिल्कुल हो ही नहीं रहा मूड, मतलब मूड क्या करना, मन भी नहीं लग रहा पढ़ाई करने में, ऐसी नींद आ रही है। तो फिर अभी सो गया था मैं, अभी उठा मैं, अभी कितना 6:15 हो रहा है, आज पढ़ाई नहीं हुई अच्छे से, अभी 6:15 हो रहा है। अभी बस दूध वूध लेके आते। चलो यार रूम पहुंच गए, दवाई वगैरह भी ले आए फिर से, मतलब पहले जो दवाई चल रही थी उसको थोड़ा अपग्रेड करा है, और दूध वगैरह भी ले आए, दूध अभी फ्रिज में रखा है। और बस ऐसी है यार, जल्दी तबीयत सही हो यार, वर्कआउट भी करना है, पढ़ना भी है, क्योंकि ऐसे हालत में पढ़ाई की नहीं जा सकती यार, पढ़ाई नहीं होती चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं होती है। तो भाई मेरा ऐसे ही गया है पूरा दिन, मतलब बेड में सो रहा था ताकि जल्दी रिकवर हो, फिर उठाऊँ, फिर उसके बाद मैंने किताब खोली, फिर उसके बाद फिर मैं सो गया। मेरा ऐसे ही रहा, वर्कआउट करने का भी बहुत मन कर रहा है, बट ऐसी हालत में वर्कआउट भी नहीं कर सकते हम, इसीलिए आज जितने जल्दी सही हो। एक तो बहुत गर्मी हो रही है, समझ नहीं आ रहा यार कुछ। यार बहुत हो गया यार दोस्तों, यार कब तक इस तरह पड़े रहेंगे यार, ऐसी 2 दिन हो गए वर्कआउट भी नहीं किया, अब नहीं जाया जाता बिना वर्कआउट के, साला। चलो यार वर्कआउट करने चलते हैं, आज लेग्स मारेंगे हम लोग, लेग्स का वर्कआउट करते हैं आज, ठीक ना। कब तक भयंकर नहीं रहा जाता भयंकर, आराम से बैठ के वर्कआउट करते हैं, फिर आते हैं, फिर खाना खाते हैं जम कर अच्छे से, फिर उसके बाद फिर पढ़ाई करते हैं भयंकर। कुछ नहीं हुआ मुझको, ठीक है सब कुछ, बहुत हो गया यार अब कमरे में नहीं बैठना, चलो वर्कआउट करते हैं जमकर। Welcome home. It miss you made me stronger. Then I'd be Superman if I fly around the world. It wouldn't take me longer than it would to be your man. I'd fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, oh, I'd find another way to make me smarter, just so I could.
guitar. Stop your. चलो मैं जिम से आ गया था, अब प्रोटीन शेक बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन शेक में मैं ना आज ग्लूकॉन डी भी डाल रहा हूँ। ये ग्लूकॉन डी हो गया, ग्लूकॉन डी के 2 चम्मच, ग्लूकॉन डी का 2 चम्मच और प्रोटीन का 1 स्कूप। ये ख़त्म होने वाला है आज, 1 डिब्बा, तो दूसरा डिब्बा निकाल के रखा है, ये ख़त्म ही हो गया मेरा, ये फिनिश्ड। तो दूसरे डिब्बे से 1 स्कूप लेते हैं और ये दूसरा स्कूप होगा हमारा। अब हम इसके बाद हम बाहर जाएंगे यार खाना खाने, और खाने में आज मैं 4 अंडे लूँगा, 4 या 3 अंडे लेता हूँ और अलग से फिर सब कुछ होगा। मैं आज इसलिए जिम गया क्योंकि यार अंदर से बहुत हो रहा था यार, क्या ही बताऊँ, मैं बता नहीं सकता। और इसको यार पहले यार उसमें रख देते हैं, अपने आप मिक्सर हो जाएगा इसको। वरना मेरा मन नहीं करता, फिर ऐसा लगता पूरे दिन बिस्तर में पड़े थे कुछ करा नहीं, और फिर बहुत अंदर से गिल्ट टाइप का रहता है यार। एक तो वैसे ही इतना गिल्ट है कि सारा कोई एग्जाम नहीं कर पा रही, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना यार, कभी कभी होता है यार। माना कि रेस्ट लेना चाहिए बट मैं क्या करूँ यार, कभी कभी बहुत गंदा लगता है यार, कुछ हुआ नहीं है करा नहीं अभी जिंदगी में, और बिस्तर में लेट गए हैं, ना फिजिकली ना मेंटली कुछ भी नहीं हो रहा यार, क्योंकि 2 दिन से हो गया बिस्तर में पड़ा हूँ, 2 दिन से पढ़ाई करके दिखा तो रहा हूँ वीडियो में, बट एक होता नहीं है क्या है, पढ़ाई तो कर रहे हैं बट दिमाग में भी तो कुछ घुसे वो हिसाब नहीं है, मतलब ये हो गया कि एक फॉर्मेलिटी हो गई यार, किताब के सामने बैठे हैं कुछ नहीं हो रहा, ऐसा हो गया मेरा। तो फिर जब फिजिकली एक्सरसाइज करते हो तो फिर थोड़ा फिजिकल में तो इम्प्रूवमेंट तो दिखता ही है, कई सालों बाद तो दिखता ही है। ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस हो गए भैया, अपने को तो बताना ही पड़ेगा ना अंदर से कि समझाना पड़ेगा, कुछ नहीं हुआ, होता है होता है, चलो चलो लगे रहो करना पड़ेगा यार, नहीं तो अगर ये समझ गया रहेंगे मरीज है, मरीजों की तरह बैठे पड़े लेटे पड़े कि यार आराम करते रेस्ट करेंगे जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा, आराम करते रहो बट भाई आराम कर रहे हो तो ठीक है, बट कुछ करना भी तो चाहिए साइड बाय साइड यार, अब भाई आराम कर रहा है इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो फिर यार क्या फ़ायदा उस आराम का। तो फिर यार जल्दी जल्दी खाता हूँ पीता हूँ फिर खाना खाने चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी होती है वो भी करना होता है यार। एक क्या है अभी चलो छोड़ो, एक्सरसाइज करके अच्छा भी लगता है अंदर से मुझे, वैसे एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी पॉजिटिविटी कह रहा हूँ अंदर से, हाँ यार थोड़ा अच्छा लगता है। 10 बज रहे हैं, खाना खाने चलते हैं, ठीक ना, कुछ नहीं हुआ, बी पॉजिटिव, कुछ नहीं हुआ, चलो आई एम फाइन ब्रो। तीन है इसमें सिर्फ 2 योग हटा दूंगा मैं अभी और नॉर्मल यही रहेगा। चलो यार रूम पहुंच गए और आते वक्त मैंने लौंग खरीदा है, दवाई खाते हैं फिर पढ़ाई करते हैं और सोने से पहले फिर हल्दी वाला दूध पियेंगे, हल्दी वाले दूध में हनी होगा बस।
डालते हैं के बाद एक चम्मच हनी, गरम दूध का ये हनी ऐसे डाल दिया मैंने। चलो चम्मच धो के आ गया, च्यवनप्राश निकालते हैं और फिर अब एक काम करते हैं, सब कुछ साइड में करके एडिटिंग करते हैं। अब हे भगवान गया ये, चलो इसके बाद एडिटिंग करते हैं। मैं तो वैसे कप कलेक्शन कर रहा हूँ, पता ही होगा आज एक नया कप ऐड होने वाला है, छोटा सा मिनी, बहुत छोटा सा कप है, देखो कितना छोटा ये, एक दूसरा आज न्यू मेंबर ऐड हो गया। देखो मैं कप लेके आता हूँ, अमीर लोग होते हैं ना वो कप्स कलेक्शन करते हैं, और एक जैसे हम हो गए, हम अल्ट्रा लेजेंड, हम ऐसे कलेक्शन करते हैं। हैप्पीनेस इज अ कप ऑफ चाय, इसमें क्या लिखा है, गरम मसाला चाय, इसमें क्या लिखा है, अ कप ऑफ टी ब्रो, इसमें क्या है, हैव अ स्वीट डे बेबी, इसमें क्या लिखा है, बेस्ट कॉफी प्रीमियम क्वालिटी कंपैरिजन टू स्टारबक्स। ये मेरा कप कलेक्शन डिस्पोजल। चलो एडिटिंग करते हैं। चलिए दोस्तों मेरा ब्लॉग यहीं तक रहेगा आज के लिए, और आपकी मर्जी है, लाइक करो ना करो, शेयर करो ना करो, बट हाँ यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं यार, और मैं क्या ही कहूँ यार मेरा तो दिमाग वैसे ही घूम रखा है। चलो फिर गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ब्रो, गाइस 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 टाटा।